हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आकाश आपका दोस्त फिर से स्वागत करता आपके इस अपने चैनल में। तो बहुत दिनों के बाद मैं फिर से देवड़े आया हूँ। ऐसे हम सोचे थे कि कल आप पोस्ट देखे होंगे कि इंस्टाग्राम में यूट्यूब में हम पोस्ट डाले थे कि आज हम आने वाले हैं देवड़ी, जो कि है साइकिल राइड होने वाला था। बट जैसे कि आपने पहला सिनेमेटिक देख चुके हैं कि हम स्ट्रोम को लेके, मेरे स्कूटी को एक्स 125 को लेके आए हैं। तो यही है सिचुएशन, क्योंकि ना बैंक का थोड़ा काम आ चुका था तो इसलिए, और दूसरा बहुत कुछ काम था तो इसलिए हम नहीं गए राइड। हमारा साइकिल राइड जो है अभी नहीं हुआ, लेकिन कल सुबह आपका भाई साइकिलिंग में आएगा देवड़ी। तब देखते हैं क्या सिचुएशन होता है, क्या होता है। और आप जैसे कि अभी देख रहे होंगे कि आपका भाई जो है, देख सकते हैं, सिर्फ अपने मोबाइल से ब्लॉग शूट कर रहा है, क्योंकि ना कोई ब्लॉगिंग का इरादा नहीं था। लेकिन यहाँ आके जो माहौल बन चुका है तो बिना वीडियो बनाए हम नहीं रख सकते, क्योंकि ना आप सबके साथ ये सब शेयर करना ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए जो वाओ जो व्यू है, एकदम गजब है भाई, गजब। और बहुत ही ज़्यादा आप सबको क्या बोले, हम बयान नहीं कह सकते कि हाँ, आपका भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आके अभी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ का व्यू है एकदम अलग ही लेवल का है। और क्या कहे हो, बस जिंदगी के मज़े लेने के लिए बीच बीच में ज़िंदगी से थोड़ा बहुत वक्त निकालना पड़ता है, तभी जाके ऐसा व्यू आप सबको भी मिलेगा। और आप सब भी हमें पता है कि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो सब यहाँ पे आते होंगे, है ना। तो यही है आज का नॉर्मल छोटा सा प्यारा सा वीडियो। तो ये वीडियो फिर से ऐसे ही आपका भाई फिर से बनाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं सूरज देवता हमारे पीछे अभी हो चुके हैं, क्योंकि अभी सनसेट का टाइम हो चुका है, करीबन अभी 4:30 से 5 बज रहा होगा। और आपका भाई मोबाइल में बहुत दिनों के बाद अपना व्लॉग शूट कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आपके भाई को, और वीडियो में बहुत ही ज़्यादा नॉइज होगा, तो थोड़ा आप इग्नोर कीजिए जो नॉइज है उसको भी। तो चलिए, आपका भाई जो वीडियो बना रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप पहले भी बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, अभी भी आपके भाई को बहुत ही ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि आपका भाई फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुका है। तो अभी आपका भाई जो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है तो बहुत सारा प्यार दीजिए, आप भी बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। मुझे पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि इतना खुश पहले हम कभी नहीं थे, क्योंकि वीडियो जब अकेले बनाते हो साथ में कोई नहीं होता है तो बहुत ही ज़्यादा फन होता है, और वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और चलिए आप सबको थोड़ा व्यू का मजा देते हैं। आप सबको देवली क्या घुमाना, आप सब हर दिन आते होंगे इवनिंग के टाइम, तो तब भी मेरा काम है आप सबको व्यू का मज़ा दिलाना और कुछ छोटे छोटे सिनेमेटिक शॉट जो है आपको देना। और यहाँ पे बैठ के हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं है, तो सिनेमेटिक के लिए मुझे अपने हाथों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए, जो भी होगा आप सबको पता चलता रहेगा, और बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाएंगे, 4 मिनट नॉर्मल वीडियो बनाएंगे, कोई ज़्यादा एडिट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ना ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ना कोई ऑडियो की टेंशन, ना बैकग्राउंड नॉइज की टेंशन, कुछ भी टेंशन नहीं, सिर्फ मोबाइल पकड़ो, निकालो अपना मोबाइल और ऐसे ही वीडियो बनाते चलो। तो बस यही है अभी का सिचुएशन, और 2 दिन स्ट्रोम का जो है हम लोग आपको दिखाएंगे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और बस देवली का जो ऊपर का साइड है, वो जो आपको पीछे ऊपर का साइड जो रोड है, वो किसी कारण से बंद है, मुझे पता नहीं किस कारण से बंद है, मे बी कोविड के लिए, जो अभी पिकनिक का टाइम है तो इसी के रीजन से शायद बंद किए होंगे। तो वो भी अच्छा ही चीज़ है, क्योंकि ऐसे जब बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन भी ज़रूरी है, लेकिन
यार बहुत दिन आए ऊपर से चले गए, लेकिन अगर पहले यहाँ नीचे आ जाते ना तो बहुत दिनों का जो इतना ऊपर बैठ बैठ के इसका जो मजा है, इसका जो व्यू है कभी नहीं ले पाते। बस वीडियो थोड़ा शेकी हो रहा होगा, वीडियो थोड़ा नॉइजी हो रहा होगा। अपना है स्ट्रॉम और मैं हूँ आपका दोस्त। चलिए दो तीन सिनेमेटिक शॉट लेते हैं और ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। छोटा मोटा सा ब्लॉग बनाए हैं, 5 से 7 मिनट का ब्लॉग होगा और ज़्यादा किस कुछ कुछ इस ब्लॉग में नहीं है, क्योंकि ना एक थोड़ा अचानक वाला ट्विस्ट वाला ब्लॉग है। तो ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, और जो आपका भाई का चैनल है भाई का रखा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। लव यू गाइस। और या ऐसे करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है सही में। चलिए सो इट्स टाइम टू से बाय।